दुनिया भर में कोरोना वायरस से 213 देश प्रभावित हैं। सभी देशों में कोरोना का घातक असर हुआ है। बीते कई दिनों से रोज 1 लाख से अधिक नए मरीज सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में अब तक 62 लाख से अधिक संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 3,73,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 28 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते ही जा रहा है। सोमवार को अब तक के सबसे अधिक केस सामने आए हैं। एक ही दिन में 8,000 से अधिक नए मरीज मिले हैं। वहीं 230 लोगों की मौत भी एक दिन में हो चुकी है। देश में अब तक कुल 1,90,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक कोरोना संक्रमण से 5,400 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में कुल एक्टिव केस 93,322 है, जबकि 91,818 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में अब तक कुल 1,90,535 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं और 5,394 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल संक्रमित मरीजों में से करीब 75% मरीज और 73% मौत सिर्फ 6 राज्यों में हुई है। अब तक सामने आए कुल मामलों में से 75.33% केस जिन 6 राज्यों में है वे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र में कुल मरीज 67,655 है, तमिलनाडु में कुल मरीज 22,333 है, दिल्ली में कुल मरीज 19,844 है, गुजरात में कुल मरीज 16,779 है, राजस्थान में कुल मरीज 8,831 है और मध्य प्रदेश में कुल मरीज 8,089 है। कोरोना वायरस से बॉलीवुड में पहली मौत हो चुकी है। प्रसिद्ध संगीतकार वाजिद खान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। वाजिद खान किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। उनका इलाज सिटी अस्पताल में चल रहा था। किडनी फेल होने के साथ ही उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। 43 वर्षीय वाजिद संगीतकार जोड़ी साजिद के भाई थे। गुजरात में भाजपा विधायक बलराम थवानी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विधायक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें आइसोलेटेड कर दिया गया है। वहीं उनके संपर्क में आने वालों की पहचान की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक थवानी गरीबों को खाना बांटने व मदद पहुंचाने का काम करते थे, लिहाजा उनका सैंपल लिया गया था। अब विधायक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस विधायक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। वहीं एक पार्षद की मौत यहां हो चुकी है।